दोस्तों आपको एक छोटा सा एम्पलीफायर दिखाने जा रहा हूं जो 44 EN MOSFET से बना हुआ है। ये देखिए, आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा है साफ। ये दोस्तों 44 EN MOSFET है और इसका कनेक्शन दोस्तों ये इस प्रकार से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है, अब दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक 15 वोल्ट या 25 वोल्ट का एक कंडेंसर लेना है आपको, 220 UF या 1000 UF, और एक 100K का एक रेजिस्टेंस लेना है, और इसको एक हीट सिंक पर इसको कस लेना है, और आप 5 वोल्ट से 12 वोल्ट इसमें सप्लाई दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक ये हमने ये मोबाइल में ये जैक पिन ये लगाए हैं, इसका जो ये है इसके नेगेटिव पॉइंट पर इसका ये पॉजिटिव रहेगा, और ये हमें अर्थ जो यहाँ पे देना है ये नेगेटिव, ये वोल्टेज का नेगेटिव 5 वोल्ट यहाँ पे देना है, और इसका पॉजिटिव जो है यहाँ से होते हुए ये स्पीकर से ऐसे सीरीज होते हुए और ये यहाँ पे आएगा। ये देखिए सीरीज, इसमें से सीरीज होते हुए ये स्पीकर से ये सीरीज होते हुए इसमें आएगा। इसमें कोई तामझाम नहीं है दोस्तों, 10-15-20 रुपए में आपका ये सारा कुछ बन करके तैयार होगा, और मैं आपको हल्का सा चला के दिखा देता हूँ, कॉपीराइट आ सकता है। ये देखिए मैंने इसमें लगा दिया, आवाज़ इसमें आवाज़ आने लगा, और मैं इसको चला के प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये चल रहा है, अब इसे बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों एक छोटा सा एम्पलीफायर, बहुत सस्ता जुगाड़, यदि आप इसे 12 वोल्ट सप्लाई देंगे तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगा, और हीट सिंक बड़ा से बड़ा लगाना होगा, नहीं तो आपका ये ख़राब हो जाएगा MOSFET। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।